इस वक्त हम मौजूद हैं माता छिन्नमस्ती का चिंतपूर्णी माता के मंदिर के बिल्कुल द्वार के बाहर, जहां पर देखिए किस तरह से यहां पर जो है लोगों का तांता लगा हुआ है। आप देखिए सारे लोगों का आज, क्योंकि माता अष्टमी का पूजन भी है और माता छिन्नमस्तिका के लिए यहां पर हजारों श्रद्धालु जो हैं वो यहां पर आए हुए हैं माता का दर्शन करने के लिए। ये आपसे पूछना चाहूंगा, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से आए हैं। पंजाब से किस जगह से? मिठड़ा जलंधर जिला। जलंधर से पहले भी आए हैं? नहीं, पहले चेहर हो गया जी। पहले आए थे यहाँ कभी? पहले बहुत चेहर हो गया जी। बहुत समय पहले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया लगा जी। बहुत बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी। जलंधर से जी। कहाँ से? जलंधर से। हाँ जी। कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया जी, हम तो हर महीने में आते हैं। अच्छा, हर महीने आते हैं जी। हर माता के यहाँ सारी बहुत कृपा है माता जी, बहुत कृपा है माँ माई की जी, बहुत कृपा है जी। माता जी कैसा लगा आपको आकर? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो आपने देखा सभी भक्तजन जो हैं वो यहाँ पर आकर माता छिन्नमस्तिका के यहाँ पर भाव विभोर होकर यहाँ पर माता के दर्शन करते हैं। हर आदमी की मनोकामना यहाँ माता के दरबार में पूरी होती है। और यहाँ पर यहाँ का क्या इतिहास है और क्या यहाँ की मान्यता है, इस बारे में हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की यहाँ के जो पूरी जो इतिहास है वो क्या इतिहास है। इस वक्त हम मौजूद हैं माता छिन्नमस्तिका के मंदिर में और हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माता छिन्नमस्तिका का क्या इतिहास है और आपके बड़ी लंबी एक पुरानी प्रथा है, आपके पारिवारिक जो यहाँ की है मान्यता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपने अपने बुजुर्गों से सुना है उसके विषय में। ऐसा था, हमारे बाबा माईदास जी थे, माँ के बड़े परम भक्त थे जी। तो एक बार सपन में वो अपने ससुराल जा रहे थे तो यहाँ सपन में माँ भक्ति ने उनको दर्शन दिए कन्या रूप में, 5 साल की कन्या के रूप में, कि मैं तू मेरा बड़ भक्ति भाव से पूजन इत्यादि करता है मेरा, तो मैं मेरी वैसे पूजा किया कर, मैं यहीं पे कन्या रूप से पिंजुक धान कर लिया। तो वो उठे, सपन आया था, उठे उठ के देखा सब कुछ नॉर्मल लगा उन्हें से। जब वापिस आ रहे थे वहां से तो आते हुए वैसे ही जैसे सपन में धुंध धुंध, और वही स्वरूप माँ का 5 साल की कन्या में माँ ने दर्शन दिए। तो उससे जहाँ पे हम बात बैठने के लिए वहां पे उन्होंने विश्राम किया था, वहीं पे उनको दर्शन दिए थे। तो माँ ने यही पे कन्या रूप से पिंडुक धारण कर लिया था। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किए कुछ कि मैं यहाँ जंगल में कैसे रहूंगा, मेरा कैसे मेरा वो होगा, परिवार कैसे चलेगा, बाकी आपके स्नान का जल की व्यवस्था कैसे होगी, सामग्री की व्यवस्था कैसे होगी। तो माँ भक्ति ने बोला कि जल का तो ये नीचे सरोवर है, यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ, वहां से जल आता है 2 टाइम सुबह शाम आता, उसी जल से स्नान होते हैं और कहीं का जल नहीं आता है। यहाँ से कम 550 कोड़ी उठते सोबर है, सोबर के साथ में वो जो शिला है वो सामने वहाँ शेर के ऊपर पड़ी हुई है, तो वहां से वो शिला निकाल के तो वो जल जो है उनसे स्नान किया करता है। तो शास्त्र में इनका छिन्नमस्तिका है, वैसे चिन्नपूर्णी जो है भक्तों द्वारा रखा गया नाम है, चिंता हरती है, जो भी आप मानते हो माँ की कृपा से सब कुछ। पंडित जी मैं एक बार और जानना चाहूंगा, छिन्नमस्तिका नाम जो पड़ा माता का उसका क्या इतिहास है? इतिहास ऐसे है, जब युद्ध चला था तो जेआर विजय दो बहनें थी, उनको प्यास लगी थी लड़ते लड़ते, तो उन्होंने कहा माँ भक्ति हमें प्यास लगी है तो उसकी व्यवस्था करो। तो माँ ने उनकी प्यास बुझाने के लिए अपना छिन्न कुआ है वो अलग किया था, तो उसमें से दो एक खून की और एक दूध की 2 की 3 धाराएं निकली थी इसमें, वो तो बाकी बताएगा। और कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ जो है 52 सिद्धपीठ है, उनमें से एक है शक्तिपीठ में से एक सिद्धपीठ है। ऐसे ज्वाला जी में, ऐसे कांगड़ा जी में, ऐसे नैना देवी जी में, जैसा जैसे वो कहते हैं आपने सुना होगा राजा दक्ष की वो जो पुत्री थी, हाँ उनका जब उठा के लेके गए थे हवन से भस्म मंत्र, जहाँ जहाँ जोन जोन से हम गिरे थे उस वहीं वहीं उसी स्थान पे माँ भक्ति का वो स्थान बना हुआ। तो आपने देखा कि माता छिन्नमस्तिका का जो इतिहास था वो हमें पंडित जी ने बताया और ये बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना हुई, किस तरह से यहाँ पर भक्तजन आने लगे और सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। जो यहाँ के जितने भी पुजारी हैं उनके कुल पुरोहित हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माता का इतिहास क्या है, यहाँ छिन्नमस्तिका माता का क्या इतिहास है, इनसे जानते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में। आपसे पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि क्या इतिहास है माता छिन्नमस्तिका का? लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ के जो मेन पुजारी जो हुए हैं जिनको भगवती ने माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए उनका नाम पंडित माईदास जी था। तो माईदास जी यहाँ से
इस रास्ते से ही अपने ससुराल जा रहे थे और इसी बट वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठ करके विश्राम करने लगे जी। और विश्राम करके आगे चलने लगे तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाए और पीछे वापस हो तो प्रकाश ने नजर आए। इसी क्रम में भगवती ने कन्या रूप में दर्शन दिए और माईदास जी को कहा कि मेरा यही मंदिर बनाओ, स्थापना करो। माईदास जी ने कहा कि यहाँ बियाबान जंगल है, यहाँ को पानी का कोई सोर्स नहीं है, यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु जो हैं, यहाँ कैसे। तो भगवती माता ने उन्हें एक निवारण मंत्र जो था ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवायुजन्ये होम होम पट स्वाहा बीज मंत्र भगवती का दिया। इस मंत्र का जाप करना, यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और एक नीचे यहाँ से इतनी दूर जाकर के नीचे एक पत्थर है, उसे फाड़ना, वहां से एक पानी निकलेगा तो मैं पिंडी रूप में लोप हो जाऊंगी। तो वहां से जाकर के पानी ला करके मेरा स्नान करना और मुझे एक टोकरी से ढांप देना जी। तो पहले मैं बांस की टोकरी से ही माता का श्रृंगार करके जी। माता को ढांपते थे जी। समय परिवर्तन होता गया जी। तो भगवती माता ने ये कहा था माईदास जी को कि यहाँ लोग दूर दूर से आएंगे, मैं सभी की चिंताओं को हरण करूंगी, मेरा नाम चिंतपूर्णी होगा। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये तो है इस मंदिर का इतिहास, पर अगर हम माता छिन्नमस्तिका के बारे में जानना चाहें तो वो थोड़ा सा आप बताएं। ऐसा है महाराज की जो छिन्नमस्तिका की जो मूर्ति जो है वो भी काफी पुरातन है, यहाँ स्थापित की गई है जी। दश महाविद्या में छिन्नमस्तिका का जो स्थान है वो निर्मित है जी। वेदों में भी और पुराणों में भी यहाँ शिव मंदिर है, यहाँ एक कलेश्वर महादेव है, एक मुचुंद महादेव है, एक नरहाना महादेव है, एक शिवबाड़ी महादेव 12-12 किलोमीटर की दूरी पर चार शिव मंदिर है, मध्यस्थ हमारा चिंतपूर्णी का मंदिर है। तो यहाँ शिव पुराण में भी और भागवत में भी ये प्रमाण दिया गया है कि स्थान जो है ये चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका के नाम से कहा जाएगा, सिद्ध होगा। तो यहाँ इस पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारा बाबा माईदास जी का जो परिवार है, यहाँ परंपरा से ही ये पूजन जो है, पहले पंचोपचार पूजन और अब षोडशोपचार पूजन जो है वो किया जाता है। भक्त दूर दूर से आते हैं, सभी की मां मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ नाना प्रकार के दृष्टांत हो चुके हैं, कई भक्तों ने अपनी जीभा भी काटी और यहाँ नई जीभ जो है वो यहाँ लगी, कटी हुई नहीं लगी किंतु वैसे ही एज इट इज होगी। और नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, उनका कष्ट दूर होता है जी? तो यहाँ ये जो इसको युग्म रूप दिया गया है चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका नाम के रूप से, क्योंकि छिन्नमस्तिका जो असलियत में है उसका जो है वो दश महाविद्या में आती है। जैसे महाकाली है, महाकाली तंत्र है, ऐसे तारा तंत्र है, बगुला तंत्र है, छिन्नमस्तिका तंत्र है, महातंगी तंत्र है, धूमावति तंत्र है। तो ये माता ने जब जैसी जैसी परिस्थिति आई वैसा वैसा रूप धारण किया। तो उसके बारे में हमारे पास कुछ शाक्त प्रमोद में लिखा है कि छिन्न ग्रीवा छिन्नमस्ता छिन्न मुंड धराक्षता क्षोध क्षेम करी स्वक्षा क्षोणिशा साधन क्षमा बैरोचनी बरारोहा बलिदान प्रहर्षिता बलि पूजित पादावजा वासुदेव प्रपूजिता इति द्वादश नामानि छिन्नमस्ता प्रियाणीय स्मृत प्रातः समुत्थाय तस्य नश्यन्ति शत्रवा। ये भगवती माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका के जो 12 नामों का जो रोज जाप करता है, भगवती माँ उसके समस्त शत्रुओं का नाश करती है, सभी कार्य सिद्ध करती है, मन वांछित फल प्रदान करती है। तो यहाँ ये जो बट वृक्ष है वैसे का वैसे ही है, वो बाबरी वैसी ही है और हमारी परंपरा जो यहाँ वैष्णव पूजा की जाती है, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ बिल्कुल हाँ यहाँ नारिकेल की बलि दी जाती है या कुष्मांड बलि दी जाती है और कुछ नहीं, यहाँ नारिकेल चढ़ता है, हलवे का प्रसाद चढ़ता है और पुरानी जमा पहले टाइम में खीर और पतासी जो थे वो शुरू में वो भोग लगाया जाता था। तो यहाँ की सारांश ये है कि स्थान पर जो भी आदमी आए अपना सिर झुका के आए वो तो सब प्राप्त कर लेता है, जिसने भी अपना सिर उठाया फिर वो आदमी उसका समझ विनाश हो जाता है। तो यहाँ जो भी नम्रता से यहाँ करके सच्चे मन से सच्चे भाव से यादर्शी भावना यसे सिद्ध भक्त उदर्शी जैसी जैसी भावना लेकर के जितने भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं उन्हें वैसा ही माँ
मन वाणी से फल देती है। आप जैसे लोग यहाँ आए हैं इतिहास पूछने के लिए, माँ भगवती आपका कल्याण करे और आपके घरों में भी सुख समृद्धि दे, मेरी यही मनोकामना है। जय माँ। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि इतना सरल तरीके से और बिल्कुल सारांश में हमारे हमें पुरोहित जी ने माता छिन्नमस्तिका का यहाँ पर वृतांत से हमें माता का पूरा ज्ञान दिया कि किस तरह से माता के यहाँ पर मंदिर कैसे स्थापना हुई, किस तरह से माता का उद्गम हुआ और किस तरह से बावड़ी बनी और किस तरह से यहाँ पर पिंडी की स्थापना हुई। इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से हमें आज के दिन मंदिर में माता छिन्नमस्तिका के मंदिर में हमें सुनने को मिला। चिंतपूर्णी से अनुराग शर्मा अपने सहयोगी कपिल सूद के साथ।